हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंडियन आर्म्ड फोर्स की सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके अलावा हमने सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को 7 सिक्योरिटी फोर्सेस में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट है असम राइफल्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी इस वीडियो में हम BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से BSF की शुरुआत हुई, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को, किस एरिया में BSF वर्क करती है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इज वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया, यानी कि 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक पैरामिलिट्री फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इट्स मैंडेट इज टू गार्ड द कंट्रीज लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट ट्रांसनेशनल क्राइम। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि कंट्री की बॉर्डर को, जो लैंड बॉर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको गार्ड करना शांति के समय भी, और उसको किसी भी तरह के ट्रांसनेशनल क्राइम से भी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, ये काम होता है BSF का। अगर हम बात करें BSF के एस्टेब्लिशमेंट की, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जब 1965 में वार हुई थी पाकिस्तान के साथ, तब यहाँ पर BSF का establishment हुआ, इसकी जरूरत पड़ी। When that country tried to expand its border at India's expense, जब उस country ने अपनी border को बढ़ाने के लिए उसे expand करना शुरू किया India की border को लेते हुए, तब यहाँ पर BSF की जरूरत पड़ी। BSF हमारी border को maintain करती है, protect करती है, guard करती है, ताकि कोई दूसरी country उसके ऊपर अधिकार ना कर सके या फिर खुद की कंट्री को हमारी कंट्री में मर्ज करने की कोशिश ना कर सके। इसीलिए यहाँ पर BSF की जरूरत पड़ी। Until that time, the border with Pakistan was guarded by the state armed police battalion. उस समय तक जो बॉर्डर है उसे स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन द्वारा गार्ड किया जाता था। It proved inadequate when faced with the Pakistan aggression and this war when the necessity of a specialized armed force for manning of India's border was realized. उस समय जब स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन ये सब कुछ गार्ड कर रही थी, तो कई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी अग्रेशन की वजह से, जिससे कि ये लगा कि हमें एक ऐसी आर्म्ड फोर्स की जरूरत है जो इंडिया की बॉर्डर को मेंटेन कर सके, गार्ड कर सके। द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज रिकमेंड दैट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी एस्टैब्लिश्ड एंड केम इट इनटू फोर्स ऑन 1 December 1965। उसके बाद, उस युद्ध के बाद एक कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी ने ये कहा कि यहाँ भारत को एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत है, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाना चाहिए, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1 December 1965 को। KF Rustamji IPS was the first chief and founding father of the organization. अब KF Rustamji जो कि IPS थे, ये पहले चीफ फाउंडिंग फादर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, BSF के। The BSF is under the Ministry of Home Affairs of the Government of India. Border Security Force Ministry of Home Affairs के अंडर आता है। It is at present the world largest border guarding force. अगर हम अभी की बात करें, प्रेजेंट समय की, तो यहाँ पर ये विश्व की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में से एक है हमारे भारत की BSF। करेंटली देयर आर अबाउट 186 बटालियन, इसके अंडर में 186 बटालियंस हैं एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 2 लाख पर्सनल्स, और यहाँ इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 2 लाख पर्सनल्स से ज्यादा है।
It also has an air wing, marine wing, commando unit and artillery regiments. BSF के पास air wing है, marine wing है, commando units है और artillery है. यानी कि कई ऐसे weapons हैं जिससे वो अपनी order को protect करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहे वो एयर के थ्रू यानी कि एयर लिफ्टिंग के थ्रू हो या फिर मैरीन के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो, पर वो यहाँ पर ऐसे वेपन्स यूज करते हैं जिससे कि उनकी बॉर्डर को यानी कि भारत की बॉर्डर को किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस ना हो. द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन कैडर ऑफ ऑफिसर्स बट द चीफ इज ऑलवेज एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर. ऑर्गेनाइजेशन के खुद के अपने एक हेड ऑफिसर होते हैं, लेकिन यहाँ के जो चीफ है वो किसे माना जाता है? आईपीएस को माना जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस को ही यहाँ का हेड माना जाता है. द प्रेजेंट हेड इज राकेश अस्थाना, आईपीएस, द चीफ ऑफ द बीएसएफ इज डेजिग्नेटेड एज अ डायरेक्टर जनरल. प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो राकेश अस्थाना जो कि आईपीएस है वही है चीफ बीएसएफ के. ये डायरेक्टर जनरल है, इन्हें डायरेक्टर जनरल की पोजिशन दी गई है. The ethos of BSF is any task, any time, anywhere. जो ethos है BSF का वो क्या है? Any task, any time, anywhere. और motto, motto जो slogan होता है उसके logo पे लिखा होता है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि duty on to death. इनका motto यही है कि अपनी duty को निभाना, भले ही duty निभाते निभाते मृत्यु आ जाए, जीवन पर्यंत इनका कर्तव्य चलता रहेगा अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति. अपार्ट फ्रॉम मैनिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडियाज बॉर्डर, इट इज ऑल्सो एंगेजेस इन रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज. भारत की बॉर्डर को मेंटेन करने, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इनका कर्तव्य ये भी होता है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो उसमें भी ये लोगों की मदद करते हैं. यहाँ पर इन्होंने यूनाइटेड मिशन में भी अपने लोगों को भेजकर मदद की थी. इट हैज अ स्पेशल बटालियन फॉर डीलिंग विद ऑल टाइप्स ऑफ डिजास्टर. इनके पास एक अलग बटालियन भी इन्होंने बना रखी है जो कि नेचुरल कैलेमिटीज में काम आती है, जैसे कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिजास्टर. इस तरह की कोई डिजास्टर्स अगर होते हैं तो उसमें इनकी अलग सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है. ऑफ लेट द बीएसएफ हैज ऑल्सो बीन चार्ज्ड विद काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इसके अलावा अगर कहीं कोई टेररिस्ट या फिर टेररिज्म एक्टिविटीज पाई जाती हैं तो वहां पर भी बीएसएफ कंट्रोल करती है. द कलरफुल सेरेमनी एट द वघा बॉर्डर दैट इज विटनेस्ड बाय मेनी स्पेक्टेटर्स एवरी डे इज अ ड्रिल कंडक्टेड बाय बीएसएफ. यानी कि जो वघा बॉर्डर है वहां पर एक कलरफुल सेरेमनी उन्हें इंगेज करके रखी हुई है और वो ये बताती है कि हमारे जो सैनिक हैं बीएसएफ के वो ऑलवेज वहां पर ड्रिल रहते हैं. न्यूमरस ऑनर्स एंड अवार्ड हैव बीन वॉन बाय द फोर्स, दे इंक्लूड आर्मी अवार्ड लाइक महावीर चक्र. भारतीय बीएसएफ ने, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसने कई ऐसे अवार्ड्स अपने नाम कर रखे हैं जैसे कि महावीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र और सिविल अवार्ड्स जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, पुलिस मेडल्स लाइक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटरस सर्विस एंड यूएन मेडल. ये सारे जितने भी मेडल्स हैं या फिर सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है भारत के भी, यूएन के भी, और कुछ ऐसे सम्मान हैं जो कि इस फोर्स को दिए गए हैं आर्मी की तरफ से, वो सब बीएसएफ ने अपने नाम कर रखे हैं. ये केवल उनकी सेवा का ही फल है. द बीएसएफ मेजर एंगेजमेंट हैव बीन इन द इंडो पाकिस्तानी वार इन 1971. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मेजर एंगेजमेंट जो है वो इंडो पाक वार जो हुई थी 1971 में, उसमें देखा जाता है. ऑपरेशन ब्लू स्टार में यहाँ पर एंगेज थी ये, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन विजय जो कि कारगिल युद्ध के समय हुआ था, बॉर्डर स्किर्मिशेस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इन 2000s. तो इन सभी में यहाँ बीएसएफ ज्वाइन रही है. अब रोल क्या है? तो ड्यूरिंग पीस टाइम, शांति के समय, जब बिल्कुल शांति का वातावरण बना हुआ है, तब यहाँ बीएसएफ का क्या रोल होता है? तो बीएसएफ का रोल यहाँ ये होता है कि प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज. यहाँ पर जो बॉर्डर होती है, भारत की बॉर्डर कुछ राज्यों से टकराती है, तो उन राज्यों पर ये तैनात रहते हैं और वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना इनका काम.
उन्हें ये रियलाइज कराना कि वो लोग सुरक्षित हैं। स्मगलिंग अगर हो रही है या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी बॉर्डर पे परफॉर्म की जा रही है उसको यहाँ रोकना इनका काम है। ट्रांस बॉर्डर क्राइम, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना भारत की अनुमति के बॉर्डर्स के जरिए घुस नहीं सकता भारत में और निकल भी नहीं सकता। एंट्री और एग्जिट दोनों ही यहाँ पर प्रिवेंट करें, ये BSF का काम है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन को इंगेज करना, कलेक्टिंग ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ों को मेंटेन करना यहाँ BSF का रोल है। अब युद्ध के समय तो डिफेंडिंग द असाइंड सेक्टर, युद्ध के समय इनका काम ये होता है कि यहाँ पर इनकी जो बटालियंस होती है इन्हें अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो अपने अपने सेक्टर्स को डिफेंड करना, प्रिवेंट करना, ये इनका काम होता है। लिमिटेड अग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट एनिमी फोर्स, इनका एक और उद्देश्य होता है कि एनिमी फोर्स के अगेंस्ट एक लिमिटेड अग्रेशन को ही इंगेज करें, ज्यादा अग्रेसिव ना हो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन एनिमी टेरिटरी अंडर आर्मी कंट्रोल, ये युद्ध के समय किसी एनिमी टेरिटरी में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हुए ही काम करते हैं, ये जितना भी काम करते हैं सभी कुछ आर्मी के कंट्रोल में करते हैं। एक्टिंग एज गाइड्स टू द आर्मी इन द बॉर्डर एरियाज, यानी बॉर्डर एरियाज में पूरी तरीके से यहाँ आर्म्ड फोर्स लगी होती है, उन सभी को यहाँ गाइड करना BSF का काम है। गार्डिंग POW कैंप्स, कंट्रोलिंग रेफ्यूजेस, प्रोवाइडिंग एस्कॉर्ट, परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क रिलेटेड टू इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग रेड्स, यानी कि कुछ स्पेशल टास्क जो कि इंटेलिजेंस सर्विस द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें रेड्स भी इंक्लूड है, इन सबको भी BSF द्वारा वार टाइम में कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ रोल्स हैं जो कि BSF द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स का ही एक पार्ट है। ये एक्चुअल में क्या है, क्यों उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको BSF से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। अगर आप किसी और एजुकेशनल टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करें हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को और हमारे वीकली क्विज को अटेम्प्ट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।